Now today we will do new words. Okay? Children, earlier we are doing our unit 5 and in this we have read our poem Merry Go Round. Children, are you know or the meaning of Merry Go Round? Yes. Merry Go Round, as I have explained you in the poem, it is a swing and commonly available in fair mela, hai na, jo ki aapke local melas lagte hain, fairs lagte hain. It is commonly observed and children like to swing on merry go round because it's go round and round and there are some horses and children sit on the horses. Horses go up and down and the whole swing, whole merry go round is go round and round, round and round. Okay, so this poem is only based on this. Okay? I climbed up on the merry-go-round and the horse went up and down. The merry-go-round go round and round, around and around, round and round. Okay, now let's understand the new words that came in the poem. Our first new word is A-R-O-U-N-D. Our first new word is A-R-O-U-N-D. We read it around. We read it around. And the meaning of around is charo or. चारों ओर, है ना. नेक्स्ट न्यू वर्ड इज डी ओ डब्ल्यू एन. नेक्स्ट न्यू वर्ड इज डी ओ डब्ल्यू एन. वी रीड इट डाउन. डाउन मीन्स नीचे. डाउन मीन्स नीचे. आवर नेक्स्ट न्यू वर्ड इज आई एन इन. इन मीन्स अंदर. आई हैव टू एक्सप्लेन दिस इन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन? इफ यू पुट समथिंग इन साइड, आप किसी के अंदर कुछ रखा होता है, यू हैव टू टेल. सपोज एक रेड बॉक्स के अंदर है तो आप कैसे बोलेंगे? द रेड इज इन द बॉक्स. द रेड इज इन द बॉक्स. ओके, समझ गए? इन सपोज आपके कपड़े अलमीरा में है तो यू विल से माई क्लोथ आर इन अलमीरा. ठीक है, अंदर किसी चीज के अंदर कुछ रखा होता है तो यू विल से इन. नाउ कम ऑन फोर्थ न्यू वर्ड, दैट इज ऑन. इन हो गया अंदर. ऑन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन? ऑन होता है के ऊपर रखा हुआ, उसके ऊपर रखा है, हटा नहीं है. किस चीज के ऊपर कुछ चीज रखी हुई है, वी विल से ऑन. फॉर एग्जाम्पल द रैट इज ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर रैट है. द बुक्स आर ऑन द टेबल. बुक्स किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है. ठीक है, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल. मैं टेबल, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर. मैं चेयर के ऊपर बैठ रही हूँ. ठीक है, ऑन मतलब किसी के ऊपर, जस्ट किसी सरफेस पे आपने कुछ रखा है, दैट मीन्स ऑन. वो चीज उसके ऑन है, उसके ऊपर रखी है. ठीक है, दैट इज ऑन. इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स के ऊपर. आउट, आउट, ओ यू टी आउट. आउट मीन्स बाहर. आउट मीन्स बाहर. नेक्स्ट इज, फर्स्ट था अराउंड एंड सिक्स्थ है राउंड. आर ओ यू एन डी राउंड. आई एम गोइंग फॉर अ राउंड. मैं एक राउंड के लिए जा रहा हूँ, मतलब कहीं का चक्कर लगा के आना. गोल चक्कर लगाना, जो भी चक्कर गोल ही होता है. ठीक है, राउंड जैसे अर्थ राउंड एंड राउंड मूव करती है. ठीक है, राउंड मीन्स गोल चक्कर लगाना एंड अराउंड मीन्स चारों ओर. आई एम लुकिंग अराउंड, मैं चारों ओर देख रही हूँ. आई एम गोइंग टू टेक अ राउंड, मैं एक राउंड लेने जा रही हूँ. राउंड आप लेने जाते हैं, अराउंड आप एक जगह से रह के भी चारों तरफ देख सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्लाइंब. सी एल आई एम बी ई डी. सी एल आई एम बी ई डी. क्लाइंब. क्लाइंब मीन्स चढ़ना. ठीक है, कहीं भी चढ़ना. जैसे आई एम गोइंग अप, आई एम क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स. ठीक है, आई एम क्लाइंबिंग अप द ट्री. ठीक है, क्लाइंब मीन्स चढ़ना. यू पी अप. यू पी अप, ऊपर की ओर. अप मतलब ऊपर की ओर. देखिए, ऑन का मतलब एक के ऊपर था, कि उसके ऊपर रखा हुआ है, और आपका मतलब ऊपर की ओर. अप में आप कुछ चीज रखते नहीं, कुछ चीज मूविंग पोजीशन में अप जा रही है. जैसे हम कहते हैं गेट अप, आप खड़े हो रहे, ऊपर की ओर खड़े हो, है ना. आई एम क्लाइंबिंग अप, मैं ऊपर की ओर चढ़ रहा हूँ. मतलब मूविंग पोजीशन में आप ऊपर ऊपर जा रहे हो. लेकिन ऑन में ऊपर का मतलब उसके ऊपर प्रेजेंटली स्टेशनरी ये चीज रखी है. ठीक है, कहीं जा नहीं रही है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ अप एज वेल. नाउ लास्ट इज दैट आई हैव रिटन ऑन द अदर साइड ऑफ द बोर्ड is R-I-D, ride, is R. Children, you can see, मैंने लिखा है R-I-D, ride, ठीक है? R-I-D, ride, okay? I hope it is visible to you all. R-I-D, ride, okay? R-I-D-E, R-I-D-E, ride. Ride means
आई राइड ऑन अ हॉर्स, मैं हॉर्स पे राइड ले रहा हूँ, सवारी ले रहा हूँ. आई राइड ऑन अ मोटरसाइकिल, आई राइड ऑन अ कार. ठीक है, तो राइड मतलब सवारी करना या चलाना, आर आई डी ई राइड. नाउ चिल्ड्रन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स दैट केम इन द स्टोरी और इन द पोएम मैरी गो राउंड. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ, एच ओ डब्ल्यू, हाउ कैसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ. हम पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं. यहाँ पर भी हाउ का मीनिंग कैसे. हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो, मैरी गो राउंड कैसे गया. गो का मतलब गया, ठीक है, डिड है इसलिए गया पास्ट में. मैरी गो राउंड कैसे गया, तो वी विल राइट द मैरी टी एच ई द मैरी गो राउंड. अब गो की जगह यहाँ पे मैंने पास्ट में वेंट हो गया. गो का मतलब भी जाना और वेंट का मतलब गया था. ठीक है, गो मतलब गया और वेंट का मतलब गया था. आंसर में डिड नहीं लिखते तो यहाँ पे हमेशा गो की जगह पे क्या आएगा, वेंट. जैसे सी की जगह पे क्या आता है, वी विल ऑलवेज राइट सो, है ना. द मैरी गो राउंड वेंट, मैरी, अगर इफ यू विल सी इन द पोएम केयरफुली यू विल ऑब्जर्व दैट मैरी गो राउंड इज ऑलवेज गोइंग राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड, वेयर एज द हॉर्स, द बिग ब्राउन हॉर्स इज गोइंग अप एंड डाउन, है ना. उसमें लिखा है आई क्लाइम्ड इन मैरी गो राउंड एंड मैरी गो राउंड इज गोइंग राउंड एंड राउंड. आई सिट, है ना, ऑन द हॉर्स एंड इट इज गोइंग अप एंड डाउन. मतलब एक पूरा बड़ा सा झूला है जो राउंड एंड राउंड जा रहा है, बट जो उसके अंदर हॉर्सेज हैं जिसपे लोग बैठे हैं, बहुत सारे हॉर्सेज जो एक गोले में बने हैं, वो अप एंड डाउन अपनी पोजिशन में हॉर्सेज कैसे जा रहे हैं, अप एंड डाउन. एंड पूरा झूला कैसे जा रहा है, ऐसे राउंड एंड डाउन, और हॉर्स अप एंड डाउन. देखो दोनों चीजें ऐसे हो रही है, ठीक है. तो वी विल राइट द मैरी गो राउंड वेंट राउंड एंड राउंड, आर ओ यू एन डी, द मैरी गो राउंड वेंट राउंड एंड राउंड. ओके, नाउ सेकंड, हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो. नाउ हाउ डिड, कैसे गया बिग ब्राउन हॉर्स. द बिग ब्राउन हॉर्स वेंट, अगेन गो की जगह पे आई हैव रिटन वेंट. द बिग ब्राउन हॉर्स वेंट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. ओके, अप एंड डाउन मैरी गो राउंड हॉर्स कैसे जा रहा था, अप एंड डाउन. चिल्ड्रन वी हैव डिस्कस्ड, अब लेट्स टॉक में आपको कि बुक में पेज नंबर 54 में वो पूछ रहा है हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड. चिल्ड्रन यू ऑल आर लिविंग इन शिवपुरी एंड शिवपुरी हैज अ फेयर एवरी ईयर. एवरी ईयर शिवपुरी में फेयर होता है, तो आई थिंक यू ऑल हैव एटलीस्ट सेट वंस ऑन मैरी गो राउंड. आप सब एक बार तो जरूर बैठे होंगे. वेयर हैव यू सीन इट, आपने कहाँ देखा है मैरी गो राउंड. तो यू विल राइट आई हैव सीन मैरी गो राउंड इन फेयर, एफ ए आई आर, फेयर, फेयर मीन्स मेला, ठीक है. आई हैव सीन मैरी गो राउंड इन फेयर. वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर, क्या आप फेयर जाना पसंद करते हो. ऑफ कोर्स ऑल द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग मी, मैं तो बड़ी हूँ, इंक्लूडिंग मी लाइक टू गो अ फेयर, ठीक है. फेयर में यू सी मैनी थिंग्स, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फेयर, दिस इज द पिक्चर ऑफ फेयर. देर इज अ बलून मैन, देर इज अ टॉय शॉप, है ना, देर इज अ ट्रेन, देर आर मैनी स्विंग्स विच चिल्ड्रन इंजॉय, विच चिल्ड्रन राइड एंड एंजॉय वेरी मच, है ना. दिस इज द पिक्चर ऑफ बिग मैरी गो राउंड, है ना, दिस इज द पिक्चर ऑफ बिग मैरी गो राउंड. तो चिल्ड्रन वी हैव फिनिश्ड आवर पोएम, नाउ लेट्स रिसाइट इट अगेन. I climbed up on the merry-go-round. I climbed up on the merry-go-round, and it went round and round, and it went round and round. I climbed up the merry-go-round, and it went around and round. I climbed up on a big brown horse. I climbed up on a big brown horse, and it went up and down. It went up and down, around. And round and up and down, around and round, up and down. समझो, जैसे कि मैंने explain किया था कि जो horse है वो up and down हो रहा है, and वो पूरा झूला क्या हो रहा है, ऐसे merry go round. ये horse हो रहा है up and down, and पूरा merry go round round and round. ये दोनों चीजें simultaneously साथ साथ चल रहे हैं. I sat high up on a big brown horse and rode around on the merry go round.